हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ पीपीसीटी। पीपीसीटी मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, ये फोर में और सिंस कहाँ लगावे, फोर और सिंस कहाँ लगावे। तो फोर सिंस का मतलब यहाँ पर हो गया से, ये प्रीपोजिशन का पार्ट है। तो देखते हैं, बहुत दिनों से रहेगा आपके जो ट्रांसलेशन में है, स्ट्रक्चर में है, जो रहेगा बहुत दिनों से, कई बसों से, कई वर्षों से, दो वर्षों से, कुछ देर से, पीरियड ऑफ टाइम हो, समय की अवधि दिया रहे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो यहां पे सब में फोर लगेगा। जैसे कि आप बोलोगे मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा हूं, अब यहां पर क्या लगेगा, यहां पे फोर लगेगा, एफ ओ आर फोर। कई वर्षों से, तब भी फोर लगाएंगे। दो वर्षों से, मैं दो वर्षों से लिखता आ रहा हूं, मैं दो वर्षों से गाना गाता आ रहा हूं, वह दो वर्षों से लिखती आ रही है, तो फोर का यूज करेंगे। कुछ देर से ही तो मैं पढ़ रहा हूं, मैं कुछ देर से ही तो पढ़ रहा हूं, तो फोर लगेगा। आधा घंटा से मैं सो रहा हूं, क्योंकि कंटिन्यू होने की बातें हो रही है, तो फोर लगेगा। एक घंटे से रहेगा तब फोर लगेगा, एक मिनट से रहेगा तब भी फोर लगेगा, कितनी देर से, कितनी समय से, ये सब रहे तो वहां पर आप फोर लगाइए। नेक्स्ट सिंस। अब ये सिंस कहां लगेगा? सिंस में जब से दिया रहे, कल से दिया रहे, 8 बजे से, कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट रहे, तो आप लगाएंगे। जैसे 8 बजे से, जरूरी नहीं कि 8 बजे से रहेगा। देखिए 2020 ईस्वी से दिया रहे, स्टार्टिंग पॉइंट रहे, जब निश्चित समय रहे, तो यहां पर सिंस लगेगा। तो दोस्तों, मैंने यहां पर कुछ स्टूडेंट लोग को मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल बताए थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल बताएंगे। विक्की कम, आपको बताना है पीपीसीटी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीइंग प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज नेक्स्ट।